अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। टिनी, क्या हुआ? टिनी, तुम मेरे कमरे में आई थी क्या? मैं? नहीं, मैं तो तुम्हारे कमरे में नहीं आई हूँ। कहीं डॉक्टर बाबू को शक तो नहीं हो गया कि हम इसी घर में? इसका मतलब मेरा शक सही था। गहना ही आई थी रूम में। तो गहना आई थी क्या यहाँ पे? तुम्हें मिली क्या? हाँ, गहना तो यही। क्या? नहीं नहीं आयू, गहना तो मेरे दिल में है या ये तिन्नी ने तुम्हें उल्लू बनाया ये? जो भी हो, मुझे यकीन है कि वो थी तो गहना ही, पर वो आई थी तो चली कहाँ गई? क्या हुआ आयु? कुछ नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धांकू टिन्नी, अच्छा हुआ तुमने कुछ भी नहीं बताया। अब हम सरप्राइज लेके आते हैं। हाँ। अरे जानकी, इतनी बड़ी पार्टी रखी है, सब लोग आ गए। हाँ, बट जिसका बर्थडे है वो सुपरस्टार कहाँ है? आज की पार्टी का एक नहीं बल्कि दो दो स्टार्स हैं। आज मेरी खोई हुई बहन टिनी का भी बर्थडे है। एवरीवन, मीट टिनी, मेरी जुड़वा बहन। आप सब इसे भी विश कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आंटी। लेकिन आज सिर्फ आयुष्मान और टिनी का बर्थडे नहीं है, एक बहुत ही खास ओकेजन है आज, क्योंकि आज बुआ जी आयुष्मान की शादी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगी। क्योंकि मौका इतना खास है, इसलिए अनाउंसमेंट भी बहुत ही खास तरीके से होगा। तो हम सब लोग ना एक गेम खेलेंगे जिसके अंदर आयुष्मान की आंखों पे एक पट्टी बांधी जाएगी और उसे बिना देखे अपने होने वाली वाइफ को एक माला पहनानी होगी। और वो जब ऐसा करेगा तो हम सबको पता चल जाएगा कि आयुष्मान किससे प्यार करता है और शादी करने वाला है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया आलिया, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे, ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम नॉर्मली भी तो अनाउंसमेंट कर सकते थे ना। अरे, इतना डर क्यों रहे हो? मुझे पूरा भरोसा है तुम मुझसे प्यार करते हो और वो माला भी तुम मेरे ही गले में डालो। और वैसे भी प्यार में थोड़ा इम्तिहान तो देना ही चाहिए। पर इम्तिहान में क्वेश्चन पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो फिर? तो सिंपल, तुम्हारी जान दे लूंगी। चलिए हम सब लोग शुरू करते हैं। हाँ हाँ, चलो नेकी और पूछ पूछ। अगर डॉक्टर बाबू नहीं चाहते कि हम उनकी जिंदगी में रहे तो हम इस घर से निकल जाएंगे। गहना टिन्नी को अभी तक सरप्राइज गिफ्ट लेकर क्यों नहीं आई? कमला, तुमसे कहा था इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकले। वो बंद कराओ इसका।
प्रणाम, बुआ जी प्रणाम। ए लड़की, तू इस घर में वापस कैसे आ गई? और कसर बाकी रह गई जो पूरे परिवार को साथ में लेकर आ गई? अब गुस्सा काहे हो रही है? हम लोग तो यहाँ जमाई बाबू के जन्मदिन और नवरात्रि के लिए आए। गाना हम लोग को बाहर ही मिल गई थी तो साथ ही अंदर ले आई। फिर जमाई बाबू का घर है तो ये और कहाँ रहेगी? ये क्या जमाई बाबू आपने लगा रखा है? और तो और आयुष्मान के हाथ से माला भी पहन ली। इस गांव की लड़की के साथ शादी के अनाउंसमेंट के लिए बुलाया था क्या? शक्ल सूरत और कपड़ों से तो नौकरानी से लग रही है ना? बंद करो ये बकवास। अब तो गहना का भाई भोला भी नहीं है यहाँ पे जिसका दिमाग खराब है, और ना ही हमरा दिमाग इतना खराब है कि अब तक ये नाटक करते ही रहे। अरे भोला भैया है हमरे साथ, फोन पे सारी बातें सुन रहे। वो क्या है ना, पुलिस थाने में गए हैं एक दूसरी शादी का निपटारा करने। काम निपटा के आ जाएंगे। भोला ने किसी और की भी पकड़वा शादी कराई है, कहीं मेरे घर वालों को धमकाने वो यहाँ भी आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। गाना, ये हम लोग के यहाँ आने को और तुम्हारी शादी को गलत काहे बता रहे हैं? ये लोग तुम्हारी शादी को नहीं मानते हैं का? ये सब का हो रहा है, ये लोग का बोल रहे हैं? जमाई बाबू, हमको नहीं पता है कि हमारी बिटिया से का गलती हुई है, लेकिन इससे जो भी भूल चुक हुई हो हम हाथ जोड़कर कहते हैं इसको माफ कर दीजिए। कोई माफ नहीं करेगा इस लड़की को। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।